कैसे हैं सभी? मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज है दिन बुधवार, क्या दूँ बल्ला दे देती हूँ, बल्ला बल्ला दे देखो इसको मच्छर मारने के लिए, ये लो। दिन है बुधवार और तारीख है आज 30 और सुबह 9:30 हैं। आज मैंने सुबह ही वीडियो स्टार्ट कर दी और अभी दिखाऊंगी दादा पोता देखो क्या कर रहे हैं। ये है आज सिनोए का आसन यहाँ पर लगा दिया इधर लोबी में, ये बिछा के और आज इसका नीचे बिठा दिया कि अब तू नीचे बैठा कर, पंखा चल रहा था किचन का बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, आज ये यहाँ पर बैठा हुआ है। हेलो सिनोए, जय, कल रात को जय कर रहा था इतने अच्छे से, जय करो देखो हाथ जोड़ दिए इसने, जय जय देखो जय, अब ये जय करने लगा है। और कल वाली वीडियो में, कल नहीं परसों शायद, जब भी एक बहन ने पूछा था कि सिनोए के दादा बासी रोटी क्यों खाते हैं, तो आज बताऊंगी कि बासी रोटी क्यों खाते हैं, खाते तो क्या मैं देती हूँ तब खाते हैं। चलिए बैठ के बताती हूँ, खड़े खड़े भी थक जाती हूँ मैं। तो ऐसा है, इनका बीपी होने लग गया था हाई, 3-4 दिन लगातार बीपी अप रहा 150 के करीब, बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं हुआ था, 150-200 हो गया था एक दिन, बस इतना ही था। उसके बाद मैंने इनको बासी रोटी खाना शुरू कर दी खिलाना, सुबह या तो दही के साथ, कभी कभी दूध के साथ, या फिर बनाना शेक, साथ में जो भी लेना हो ले लें, और सब्जी वब्जी कुछ नहीं लेते हैं, सिर्फ बासी रोटी जितनी इनको खानी हो, ब्रेकफास्ट में 1 या 2 बासी रोटी और साथ में दही शेक या दूध वो देती हूँ। तो उस दिन के बाद 4-5 दिन खाना खाते हुए हो गए थे इनको, तब इनका बीपी नॉर्मल आ गया था और नॉर्मल ही है। देखो बासी रोटी, पहले हम जब छोटे थे तो बासी रोटी खाते थे, शाम को बच जाती थी वो सुबह खा लेते थे, और उस टाइम पर गांव में भी नमस्ते ठीक, अच्छा पहले वहां करके आएगी ठीक है, आशा आई थी ये अभी आई आशा, अच्छा 9:30 हैं अभी तो मेरे को, थोड़ा जल्दी करके आई हो, हाँ ये आ गई थी अभी, और एक टिफिन गया हुआ था इसके, सन्नी के जन्मदिन वाले दिन इसको दिया था, उसमें डाल के कुछ रसगुल्ले वगैरह, वो टिफिन रखा है अभी, और कह रही आंटी पहले वहाँ करके आऊँगी, घर में और करती है ये, और तब आएगी 1 घंटे में, अभी ये 10:30 तक आएगी, तब तक मैं अपना जो रेस्टिंग पस्टिंग कुछ करना होगा थोड़ा बहुत वो कर लूँगी, फिर आके कर लेगी। तो बासी रोटी पे थे हम, तो देखो उस टाइम पे हम बासी रोटी ही खाते थे, सुबह बन जाती थी, स्कूल जाते थे तो वो रोटी लेके जाते थे, वो तो खानी होती थी, स्कूल से आने के बाद भी सुबह वाली रोटी ही खाते थे, दोपहर में रोटी कौन बनाता था, माँ तो चली जाती थी खेतों वेतों में बना के, तो बासी रोटी ही खाते थे ज़्यादातर, 3-4 बजे खाते थे, किसी को अगर भूख लगी है तो 1-2, तो उस टाइम पर किसी को कोई बीमारी नहीं होती थी, ना कोई बीपी जानता था, ना कोई गैस होती थी, कुछ नहीं होता था, और आजकल सब कुछ गर्म 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 गैस पे रोटी बनाओ जब खानी हो तभी, और वो खाओ, और फिर किसी को बीपी, किसी को थायराइड, किसी को शुगर, किसी को कुछ तो किसी को कुछ। तो मैंने ये ट्राई किया था कि बासी रोटी सुबह इनको दूँ, और सुनने में तो ऐसा आया है अगर किसी को शुगर हो ना तो टाइट रोटी जो कान्ने होते हैं बासी रोटी है, किनारे किनारे तोड़ के और चबा चबा के खाए तो उसमें भी फायदा होता है। ये देखो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं वैसे बता रही हूँ, ये चीज़ सुना है, क्योंकि मेरी दादी सास को शुगर था तो वो खाती थी कई बार बासी रोटी, हालांकि उनको दांत नहीं थे तो इसलिए वो किनारे नहीं खा पाती थी, बीच बीच की खाती थी वो, तो इसलिए खाते हैं साहब बासी रोटी। तो ये कमेंट का जवाब हो गया है बहन आपका, एक्चुअली धीरज ने पूछा था, ये धीरज का कमेंट था। और चलो फिर अब देखती हूँ मैं क्या क्या काम करूँगी, वो मैंने पिछली वीडियो में साड़ी दिखाई थी आप लोगों को, उसमें दाग थे, उसको मैंने धो दिया अभी अभी, क्विक वॉश पे चलाया था
चलिए मैं उसको निकालूंगी और उसको फैला देती हूँ, मशीन का राउंड पूरा हो चुका है 10 मिनट वाला। चलो फिर लगते हैं काम में, बहुत हो गई अपने ऑफिस, तो जितना भी होना है अब आशा आएगी 1 घंटे बाद, तब तक अपना थोड़ा बहुत जो कुछ करना है वो करके ना धो लेंगे। काम हम तो कुछ है नहीं इतना ज़्यादा, बस थोड़ा बहुत करना, खाना और सिनोए के साथ खेलना। सबसे बड़ा काम ये है कि सिनोए के साथ खेलते हैं पूरा दिन, माइंड भी फ्रेश रहता है और ना इधर उधर ध्यान भटकता है। बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बने रहिए वीडियो में और वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा लिया करो। चलो फिर, क्या हो गया सिनोए? जय। चलो फिर ये साड़ी मैं निकाल लेती हूँ, ये देखो गिल्ले में और भी ज़्यादा इसका डार्क कलर हो गया ना, उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहननी तो नहीं जाती, अच्छी अच्छी लग रही हैं ये, पता नहीं कब से कब पहन। भाई टाइम हो गया 12:30 और मैं ना दे के धो के एकदम रेडी, और सिनोए भी नहा के और सो के उठ लिया है। ये देखो अब सिनोए के दादा सिनोए का केला खाने की कोशिश खिलाने की कोशिश कर रहे हैं और सिनोए खा नहीं रहा है। और अब बनेगी चाय, गर्मा गर्म चाय, अदरक वाली तो नहीं, अब अदरक नहीं डालेंगे, अब डालेंगे इलायची, क्योंकि गर्मी आ गई ना, तो अब इलायची वाली चाय बनाऊंगी गर्मा गर्म। आ जाइए जिसको भी आना है चाय पीने मेरे पास। चाय हो गई रेडी, चलिए चलते हैं अभी अंदर। बिस्किट भी लाने थे क्या? बिस्किट तो नहीं लिए, वो अभी हो गई है रात, डिनर विनर हो गया, सब सो गए, सिर्फ मैं जग रही हूँ। ये जमा दी है मलाई और ये जमा दी है दही। मौसम वैसे गर्मी का है लेकिन अंदर थोड़ी ठंड सी लगती है, तो ये कपड़े इस पर उड़ा दिए हैं। और इसमें साहब का ब्रेकफास्ट रेडी है, और कल गुरुवार है, मेरा फास्ट है, लेकिन ध्यान नहीं रहा, ये विनीता भिगो के चली गई है धनिया, और ये अदरक रखी है, अदरक की अब कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बची हुई रखी है ये, पूजा कभी कभी डाल लेती है चाय में। दूध भी रख दिया है फ्रिज में, और चाय पत्ती डिब्बे में डाली थी, पैकेट बड़ा है तो इसको बची हुई चाय पत्ती को इस तरह से फोल्ड करके इसको और ये छल्ला लगा के रख देते हैं, तब डिब्बा खाली होएगा तो फिर डाल लेंगे इसको। और आज विनीता सो रही है परले घर, क्योंकि मेरी सिस्टर और वो मेरा देवर वो कहीं गए हुए थे, तो आ तो लिए वो खैर, बट वो भी नहीं था, वहाँ सो गई। अभी बज गया है 1:30 रात का, और मुझे थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी है, चावल रखे थे बचे हुए, कल से हमको पूजा ने चावल बनाए थे, और वो बड़े वाले चावल बचे हुए थे जो उस दिन बर्थडे वाले दिन बनाए थे ना, हलवाइयों ने मंगवाए थे, तो उसको अंदाजा है नहीं थोड़े से एक्स्ट्रा बन गए। सुबह तो उसकी उन चावलों में से बिरयानी बना ली थी थोड़ी सी, शिमला मिर्च प्याज टमाटर वगैरह तड़का वड़का लगा के, तो वो टिफिन में लेके गई थी दोनों ननद भाभी, इतने से बच गए थे, इतने से ही थे वो, तो वो मैंने सुबह थोड़े से खा लिए ब्रेकफास्ट में, और फिर लंच में साहब की रोटी बना दी और ख़ुद मैंने वो चावल ही खा लिए। कढ़ी बनाई थी शाम को, कढ़ी भी बची हुई थी, कढ़ी भी बासी खा ली, चावल भी बासी खा लिए। हाँ बासी रोटी खाते थे तो वो फ़ायदेमंद होती थी, इतना होता, और चावल नहीं खाने चाहिए बासी, बासी चावल मैंने खा लिए, सुबह खा लिए थे कोई बात नहीं, उनमें हींग वींग का तड़का लग गया था तो वो नुकसानदायक नहीं रहे थे, दोपहर में भी खा लिए। तो अभी मुझे ना यहाँ पे जलन हो रखी है, इसे डकार आ रही है खट्टी खट्टी, और जलन हो रही, तभी मैं उठी हूँ, सोई नहीं थी, उठी क्या हूँ, सोती इतना लेट हूँ, ऊपर से इसकी वजह से डकार आ रही थी ना, ऐसा लग रहा जैसे उल्टी आएगी। तभी उठ के गर्म पानी से मेथी की फांकी ली है मैंने, काला नमक और मेथी जो मैं हमेशा रखती हूँ, वो मैंने अभी फांकी ली है, और अब देखती हूँ आराम होगा कि क्या, थोड़ी सी देर ऐसे ऐसे टहलूँगी अभी और फिर देखूँगी, और मेरी आवाज़ शायद कम आ रही होगी,
क्योंकि साफ सो रहे अंदर और मैं यहाँ आराम आराम से थोड़ा आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ रात को। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।